देह मान अभिमान ते निरहंकारी होए, वर्ण कर्म कुल जाति ते हंस निनारा होए। जो सच्चे विवेकी पारखी संत होते हैं, जिनके लिए इसके पहले की साखी में कहा गया है कि दया रूप धीरपद रहे, जो प्राणी मात्र पर दया करना शील का व्यवहार रखते हैं और अपने स्वरूप में स्थित रहते हैं, ऐसे आत्मपरायण संत देह के अहंकार से और देह संबंधी जो प्राणी पदार्थ हैं, वर्ण कर्म कुल जात, इन सबके अहंकार से अलग हो जाते हैं। सारा अहंकार देह को लेकर होता है, देह का अभिमान मिट जाए तो और किसका अभिमान फिर रहेगा। हमारे अंदर यह पक्की निश्चयता हो जाए कि शरीर तो क्षणभंगुर है, आज है और कल नहीं रहने वाला है, कब यह समाप्त हो जाए इसका कोई ठिकाना नहीं है, ऐसे क्षणभंगुर शरीर का क्या अहंकार। और कितना भी अहंकार करें, अंत में से रहना तो है नहीं, छूटना छूटना है। देह का अभिमान गल गया तो फिर देह संबंधी अन्य जो प्राणी पदार्थ हैं उनका अहंकार कहाँ रहेगा। देह के सौंदर्य रूप का अहंकार होता है कि मैं बड़ा सुंदर, थोड़ी सी बीमारी आती है सुंदरता गायब हो जाती है। और कितने दिनों तक शरीर सुंदर रहता है, सुंदर से सुंदर शरीर जिसे कहा जाता है, कुछ दिनों में वह जर्जर हो जाता है, शरीर के सारे चाम ढीले हो जाते हैं, आंखें धस जाती है, दांत टूट जाते हैं, गाल पिचक जाते हैं, कहाँ रह जाता है सौंदर्य। ऐसी बीमारी आई कि अपना ही शरीर अपने वश में नहीं रह जाता है, अपने शरीर की क्रिया स्वयं करने में असमर्थता हो जाती है। ऐसे बल का अहंकार, मैं बड़ा बलवान हूं, बस लकवा हुआ फालिज मार दिया, सारा बल गायब। बड़े बड़े बलवान, उनके सामने ऐसी स्थिति आई कि अपने ही शरीर पर बैठी हुई मक्खी को वे हांक नहीं पाते थे। किसका अहंकार। बहुत लोग हमारे हैं, एक दिन ऐसा आता है कि जिनका हमें अहंकार होता है, ये हमारे बहुत लोग हैं, सब के सब साथ छोड़ देते हैं, उनका स्वार्थ पूरा नहीं हुआ, मन बदला। जो हमारे लिए जान देने को तैयार रहते थे,
ऐसा समय आया कि वही जान लेने के तैयार हो गए। कौन अपना है? अन्यथ चित्तम अभिसंचरेण्यम, दूसरों का मन बदलने वाला है। न नूनमस्त न स्व कस्तद वेद यद अद्भुतम, अन्यथ चित्तम अभिसंचरेण्यम उताधीद विनश्यति, ऋग्वेद का मंत्र। आज जो वर्तमान में है वो नहीं रहने वाला है, कल भी नहीं है, कल आएगा वो भी चला जाएगा। ये अद्भुत संसार कहां से आ कैसे बना कौन जानता है? कौन कह सकता है इसको ऐसे बना? बस प्रकृति का खेल है, साथियों का मन बदलने वाला है। और कितना भी पढ़ा हुआ क्यों ना हो, कितना याद क्यों ना किया हो, जो विषय एकदम कंठाग्र है, एक दिन वह आता है कि सब का सब भूल जाता है। बहुत जानने वाले को भी स्मृति खोना होगा, बहुत बोलने वाले को भी मौन रहना होगा। किसका अहंकार है? देह मान अभिमानते निरहंकारी होए। कबीर साहब की वाणियों के पठन मनन का फल क्या होना चाहिए? उसका फल है सारी जड़ाशक्तियों को छोड़कर आत्मपरायण हो जाना। और आत्मपरायण जो हो गया वो किसका अहंकार? देह का अभिमान छोड़कर के ही तो आत्मपरायण हुआ जा सकता है। और देह का अभिमान गल गया तो मैं बड़ी जाति का, ऊंचे कुल का, ऊंचा वर्ण का, ये सब कहां आ रहा है? सारी जाति मिथ्या है। कौन कुल ऊंचा है? मानव कुल, सबसे बड़ा कुल तो मानव कुल है। और मानवता क्या है इसका पता ही नहीं है। और फिर अनादिकाल से हम किस नाम किस किस जाति में पैदा हुए, किस किस कुल में पैदा हुए, कैसे कैसे कर्म किए, क्या पता है? हम तो देते जी न्यारा होई ताकर जाति कहे धो कोई, शाह सफेद की राता पीरा, अवरण वरण की ताता थीरा। साहब कहते नारी पुरुष की बूढ़ो बाला बारा और आगे। तो साहब कहते हैं ये हंस को किसके जाति का कहोगे? हंस जीव तो सबसे अलग है, इसकी तो कोई जाति नहीं है। और जितनी जातियां मानी गई है सब के सब काल्पनिक, किसी के माथे पर लिखा हुआ है कि अमुक जाति का है, किसी को देख करके कोई बता सकता है कि ये अमुक जाति का है? अपरिचित आदमी हो कोई कह सकता है कि अमुक आदमी जाति का है? मान्यता बना ली गई बस। आप लोगों को ख्याल होगा, देखा होगा आप लोगों ने कबीर सीरियल में, सामान्य कहे जाने वाले लोग, गरीब जुलाहे पट्टी के या अनेक प्रकार से मजदूरी किसी प्रकार से काम करने वाले लोग, कई लोग बहुत लोग जा रहे थे। उधर से गंगा नहा करके कुछ ब्राह्मण कहलाने वाले लोग लौट रहे थे घर, रास्ते में मिल गए। ये लोग बहुत लोग थे, ये लोग भी इस रास्ते, इधर तो वो लोग जाते, इधर तो वो लोग दो तीन लोग आ रहे थे। अब अहंकार है कि हम बड़ी जाति के हैं, हमें हम पर छोटी जाति वालों को छाया भी नहीं पड़ना चाहिए, उन्हें रास्ता देना चाहिए हमारे लिए। तो उन लोगों ने पूछा तुम लोग किस जाति के हो? उन्हें कहा आपको कौन सी जाति चाहिए? जो जाति चाहिए वो जाति मान लो।
मतलब क्या होता है। एक महात्मा जा रहे थे ट्रेन में, स्वस्थ शरीर, सुंदर बलवान जवान, देखने में बड़े अच्छा लगता था। बगल में एक यात्री बैठे थे, दूसरा व्यक्ति, उसने पूछा, महाराज जी आप कौन जाती है? महात्मा चुप रहे। थोड़ी बार फिर पूछा, महाराज जी आपकी कौन जाती है? महात्मा ने कहा कि क्या करोगे, क्या आपकी लड़की के लिए कोई वर नहीं मिल रहा है जो मुझे जाति पूछ रहे हो? क्या मतलब है? तो सारी जाति तो काल्पनिक है, उसका अहंकार कर लिए। सबके चाम को छील करके देखो तो वही एक जैसा मांस, एक जैसा खून, एक जैसी हड्डियां, सबके शरीर में तो एक जैसे मल मूत्र भरे हुए हैं। कौन बड़ी जाति का? लेकिन उसका अहंकार, कौन सी पहचान है? आदमी के शरीर को देखकर, आदमी के शरीर में लगे हुए जो अवयव हैं उनको देखकर, आदमी के मांस चाम हड्डी मल मूत्र रक्त आदि को देखकर कोई बता सकता है कि अमुक जाति का आदमी है? एक महात्मा बहुत अच्छे उदाहरण दे रहे थे, तमाम उदाहरण दिए कि आदमी तो आदमी है, आदमी के अंदर कोई बराबर नहीं है। तो उन्होंने कहा कि आदमी के चाम को देखकर नहीं पहचान जाना जा सकता कि ये अमुक जाति का आदमी है, हड्डी को देखकर, मांस को देखकर, आदमी के खून को देखकर नहीं पहचाना जा सकता। तो उन्होंने कहा, आप जा रहे हो, रास्ते में कहीं गोबर पड़ा हुआ है तो देख आप कह सकते हैं, देखो ये गाय का गोबर है, ये भैंस का गोबर है, गधे की टट्टी है, ये घोड़े की टट्टी है, कुत्ते टट्टी है, पहचान सकते हो ये आदमी, ये टट्टी ब्राह्मण टट्टी के शूद्र की टट्टी है कि हिंदू टट्टी मुसलमान टट्टी? पहचानोगे क्या? उसको देखकर नहीं पहचान सकते कि बस कह सकते आदमी टट्टी है बस। तो किसका अहंकार करते हो? वर्ण कर्म कुल जाति थे हंस निनारा होए, विवेकवान सबका अहंकार छोड़ देते हैं। ये सब मिथ्या है और जो इनका अहंकार नहीं छोड़ सकता वो आत्मपरायण हो भी नहीं सकता, वो आत्मज्ञानी उसे कहेंगे। जिसकी बुद्धि देह तक ही सीमित है, सारी जाति सारे वर्ण सारे जो कुल शरीर को लेकर के ही तो है, और जो देहमान से ऊपर नहीं उड़ सका वो आत्मपरायण कैसे होगा? इन साखियों को लिखने वाला ये कहता है कि कबीर वाणी को पढ़ने का फल ये हुआ कि सारी जड़ा शक्तियां मिट गई, देहाभिमान गल गया, कहीं किसी के प्रति मोह नहीं रह गया, सबसे उठकर वो अपने स्वरूप भाव में स्थित हो गया, आत्मपरायण हो गया। और जो आत्मपरायण हो गया सारे संसारिक प्रपंचों से ऊपर उड़ गया। जग विलास है देह को साधो करो विचार, सेवा साधन मन कर्मते यथा भक्ति उर्धार। हे साधो, इस बात पर विचार करो कि संसार के सारे भोग विलास, सारे विषय शरीर तक ही है, इसलिए इंद्रियों के विलासों को छोड़कर मन वाणी कर्म से सेवा करो और साधना करो, साथ साथ अपने हृदय में यथार्थ भक्ति धारण करो।
जितने भी ऐश्वर्य हैं, जितने भी भोग विलास हैं, जितने भी आनंद माने गए हैं, सब के सब कहाँ तक? देह तक ही तो है, उससे आगे? और जितने भी भोगों के आनंद हैं, सब के सब क्षणभंगुर। क्षणभंगुर है तो चलो कोई बात नहीं, लेकिन तृष्णा बढ़ाने वाले, आसक्ति की डोरी में बांधने वाले, और भटकाने वाले, संसार के ऐश्वर्यों से, संसार के भोगों से आज तक कौन तृप्त हुआ है? जो विचार करेगा वो संसार के भोगों में उलझेगा नहीं, शुरू से आखिर तक ये भोग दुख उत्पादक है। नहीं मिले हैं तो उनकी आशा में दौड़ते रहो, परिश्रम करते रहो, जलते रहो। मिल गए तो भय कि छूट ना जाए, चिंता। मिल करके छूट गए तो उसकी आसक्ति में रो, ऐसा भोग मिले था, ऐसा भोग मिला था, ये सुख मैंने मिला था, ये खाया वो पिया, अमुक जगह हाय मेरा अमुक छूट गया, अब उसके शोक में जलो। तो भोग मिलने के पहले आदमी आशा में परेशान रहता है, मिल गए तो छूटने के भय और चिंता से परेशान रहता है, बिल्कुल के बिछुड़ जाने पर उनके शोक में परेशान रहता है। कहाँ सुख है इसमें? अब है भी थोड़ा, वो भी तनिक इंद्रियों को उत्तेजना का सुख, और कालांतर में तृष्णा और आसक्ति का दुख, और रह जाते हैं केवल शरीर तक। आत्मा तक कोई पहुंचने वाला ही नहीं है, अपने आप तक कोई पहुंचने वाला ही नहीं है। सारे रूप आंख तक ही है, सारे शब्द कान तक, सारे रस जीवा तक, सारी गंध नाक तक, और सारा स्पर्श त्वचा तक, इससे आगे कहाँ? और भी एक मान्यता का होता है, कोई भी ऐसा सुख नहीं है दुनिया में, कोई भी ऐसा भोग नहीं है दुनिया में जो सबके लिए सुखद हो। जैसे पानी सबके लिए शीतल होता है, आग सबके लिए गर्म होती है, ऐसा कोई भी ऐसा भोग नहीं है दुनिया में जो सबके लिए सुखदाई हो, जो एक के लिए सुखदाई और दूसरे के लिए दुखदाई। एक मान्यता बना लेता है आदमी, और मान्यता के कारण से ही उसमें सुख की निश्चयता होती है। मान्यता बदल जाती है, वही भोग दुखद जान पड़ता है। जग विलास है देह को, संसार का सारा विलास शरीर तक है, और शरीर ही कब छूट जाए कुछ पता थोड़े है। देखते देखते तो जिंदगी समाप्त होती जा रही है। साहब ने इसलिए कहा है, आज काल दिन के एक में स्थिर ना ही शरीर, कहीं कबीर कस राख्यो कांचे बासन नीर। इसलिए इंद्रिय विलास में, देह विलास में भटको मत, साधो करो विचार, ऐसा इस पर विचार करो, इन भोगों से आज तक तुम्हें मिला क्या, और रहने वाले कब तक है? इसमें विचार करके, विचार करो, इससे ऊपर उठो। अब तुम्हारे पास वस्तुएं है, साधन है, तो उसका क्या करो? सेवा साधन मन कर्म ते,
मनसा वाचा कर्मना सेवा करो। इस शरीर की सार्थकता किसमें है? सेवा में। असंख्य लोगों द्वारा हमारे सेवा होती है, हमें सहयोग मिलता है, असंख्य लोगों के सहयोग से हमारा जीवन चल रहा है। इसलिए हमारा भी एक कर्तव्य होता है कि जो बन सके हम भी सेवा करते चले। जो कुछ भी है अपने पास, शरीर है शरीर से सेवा करें, बुद्धि है विद्या है उससे सेवा करें, धन है उससे सेवा करें। आदमी चाहे तो सेवा बहुत कुछ कर सकता, बहुत आयाम है सेवा का। दुर्भाग्य यह है जो उपलब्ध होता है उसकी सेवा उससे सेवा आदमी नहीं करना चाहता, और जो उपलब्ध नहीं रहता उसके लिए सोचता है मेरे पास ये होता तो मैं ऐसे करता, मेरे पास ये होता तो वैसे करता। क्या करें, हमारे पास धन नहीं है, धन होता तो मैं भी गरीबों की खूब सेवा करता, बड़े बड़े धर्मशाला बनवा देता, बड़े बड़े हॉस्पिटल खुलवा देता, विद्यालय करवा देता, ये करता वो करता वो करता। शरीर है, उस शरीर से एक गिलास पानी किसी को देता नहीं है, कोई प्यासा है एक गिलास पानी दे दो, कोई रोगी है उसे उठाकर कहीं सही जगह पहुंचा दो, हॉस्पिटल पहुंचा दो, किसी का कोई काम रुक गया है थोड़ा उस काम में सहायता कर दो, उसे नहीं करेगा आदमी? वाणी की शक्ति है, सही रास्ता बता दो लोगों को, सही सीख दे दो, सही जीवन जीने की प्रेरणा दो, विद्या है तो किसी को पढ़ा दो, ये तो कर सकता है। कुछ नहीं कर सकते तो मन से तो सबकी भलाई की बात सोचो, बहुत बड़ी सेवा हो जाएगी। लेकिन आदमी मन से भलाई की भी क्या सोचता है, सोचता है तो ईर्ष्या की बात होता है, घृणा की बात होता है, किसी के अपकार हो जाए, अमुक ऐसा दुख मिले, इस प्रकार से बात सोचता है, कितना डूब गया है आदमी। सेवा, मनसा वाचा कर्मणा सेवा करें, और इसके पश्चात साधना, सेवा दूसरों के लिए, साधना अपने लिए। इस शरीर की सार्थकता सेवा और साधना में ही है। साधना से ही शांति मिलेगी, शांति का और कोई उपाय नहीं है। भोगों में उलझ उलझ कर तो आज तक हम अशांति होते रहे हैं, क्या मिला आज तक? अशांति और भटकाव के अलावा कुछ मिला? शिकायत अधिकतम लोगों की है, इतनी जिंदगी बीत गई, सब कुछ उपलब्ध है, शांति नहीं मिलती, तो शांति पाने का उपाय ही नहीं करते हो, उसके लिए प्रयत्न ही नहीं करते, शांति कैसे मिलेगी? भोगे हैं, उलझे हैं भोगों में, दौड़ रहे हैं रात दिन दुनिया के पीछे, और चाहते हैं शांति। दुनिया के पीछे दौड़ कर किसको शांति मिली है? साधना जो करता उसे शांति मिलती है, और साधना है अपने आप को मांझना। जो अपने आप को बस में कर लिया, फिर अमुक लोग मेरे बस में नहीं है उसे चिंता भी नहीं होती, वो तो फिर ये भी परवाह नहीं करता कि कौन मुझे क्या कहता है। जो ये परवाह करेगा कि कौन कौन मेरे बारे में क्या क्या राय रखते हैं, वो सुख से नहीं जी सकेगा, शांति उसके जीवन में नहीं रहेगी। दूसरे हमारे बारे में क्या राय रखते हैं इसकी चिंता छोड़ दो, अपने बारे में स्वयं की क्या राय है ये सोच लो बस, अपने को ना बिगाड़ें, फिर दूसरा हमारा कौन बिगाड़ेगा? अपने को अशांत ना करें, दूसरा हमारा अशांत कैसे कर सकता है? हम निंदाजनक काम ना करें, दूसरा हमारी निंदा करता रहे कि परवाह क्या है, साहब तो कह गए हैं तब भी अच्छा, अब भी अच्छा, जुग जुग हो ना आन, मैं तब भी ठीक था, अब भी ठीक हूँ, जुग जुग में कुछ और होने वाला नहीं हूँ, मैं तो जैसा वैसा हूँ। लोग मेरे मुझे बुरा कहते हैं, उनके कहने से बुरा थोड़े हो जाऊंगा, लोग मुझे अच्छा कहते हैं, उनके कहने से अच्छा थोड़े हो जाऊंगा, मैं जो हूं सो हूं, अच्छा करूंगा अच्छा रहूंगा, बुरा करूंगा बुरा रहूंगा,
मेरी शांति अशांति, मेरी अच्छाई बुराई मुझ पर निर्भर है, मेरा बंधन मोक्ष मुझ पर निर्भर है, दुनिया हमारे बारे में क्या कहती है, हमें इसकी चिंता क्यों? सही काम हम करें बस। और सही काम क्या है? अपने को मांझना, साधना। साधना करती है अपने आप को मांझना, अपने आप को देख देख करके अपनी गलतियों को, अपने दोषों को, विकारों को दूर करते रहना। और इस काम के लिए हर आदमी पूरा का पूरा स्वभाव है, इस पर कहीं कोई बाधा नहीं, कोई रोक ही नहीं सकता है। बाहर हम कोई काम करने जाएं, दूसरा आदमी खड़ा हो जाए सामने, कहते तुम एक काम करोगे, देखता हूं मैं तुम्हें काम करने नहीं दूंगा, काम करने नहीं देगा, हमें रोक देगा। लेकिन हम अपने मन को स्वस्थ करना चाहते, दूसरा आदमी कैसे कह सकता, देखता हूं मैं तुम्हारे मन को स्वस्थ कैसे करते हो, कैसे बांध सकता हमें? अरे हाथ पैर को बांधेगा, शरीर को बांधेगा, अंधी कोठरी में डाल देगा, मन को कैसे पकड़ेगा? कोई रोक ही नहीं है। बाहरी काम करने से हमें कोई रोक सकता है, लेकिन साधना करने से नहीं रोक सकता। साधना मन से होती है, भोग शरीर से होता है, साधना मन से होती है। हम अपने मन को जहां बैठे हैं, कोई बताने हमारे हाथ पैर को बांध कर अंधी कोठरी में डाल दिया, वहीं हम अपने मन को शांत कर रहे हैं, शुद्ध कर रहे हैं, मन को देख रहे हैं, मन के विकार मिटा रहे हैं, कौन रोक सकता है? हर आदमी स्वस्थ है। और यही साधना में ही शरीर की मुख्य सार्थकता है, मानव जीवन की मुख्य सार्थकता है। सेवा साधन मन कर्मते, मनसा वाचा कर्मणा, दूसरों की सेवा और अपने लिए साधना, यथा भक्ति उर्धार, हृदय में यथार्थ भक्ति धारण। यथा, यथा का अर्थ होता है जैसे, लेकिन यहां यथा कर जैसे नहीं है, यथार्थ है, सही सच्ची भक्ति। यथार्थ भक्ति अपने हृदय में धारण करो। भक्ति यथार्थ भक्ति है क्या? संत गुरुजनों के प्रति विनम्रता, समर्पण, सेवा। भक्ति का अर्थ है समर्पण, सेवा, विनम्रता। और भक्ति के उत्कर्ष रूप स्वरूप अनुसंधान, स्वस्वरूपानुसंधान भक्ति रित्यभिधीयते, मुक्ति कारण सामग्र्याम भक्तिरेव गरीयसी, स्वस्वरूपानुसंधान भक्तिरेव गरीय भक्ति रित्यभिधीयते, स्वस्वरूप अनुसंधान। इस प्रकार विनम्रता, संगुरुजनों के प्रति समर्पण, सेवा भावना, स्वरूप ज्ञान और स्वरूप में स्थिति, ये यथार्थ भक्ति है। तो इस प्रकार इस आखिर में कहा गया, संसार के सारे भोग विलास शरीर तक ही है, इसलिए उसमें मत उलझो, हे साधु विचार करो और जो कुछ उपलब्ध है उसे दूसरों की मनता वाचा कर्मना सेवा करो, साधना करो और यथार्थ भक्ति अपने हृदय में धारण करो। यहाँ पर राजबीजक समाप्त।